वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो जनता। फटाफट हम रिफ्लेक्सेस की वीडियो के लिए चलते हैं फटाफट। ओ भाई आहा क्या लैग है, मजा आ गया। वाओ वाओ आई लव दिस लैग। फटाफट सारी, चल बेटा उठा, मेरे से पहले उठाएगा। चलो भाई कैंटेड नहीं उठाना बे, एमो दो एमो दो एमो, बार बार के एमो दो भाई। रेड डॉट उठा लेने का, 6x 4x 6x को पहले 3x में कन्वर्ट कर लो। फुल एमो उठा लेने का, फिर वही यहाँ से भागते भागते जाओ। ये वाली जो रिज दिख रही है, ये वाली रिज पे जाके खड़े हो पहले तुम। ये वाली सेकंड जो रिज आती है यहाँ से हम भाग के आओगे यहाँ पे। अभी देखो ये दिख रहा है एक और ये दो, इन दो पे आपको अपने रिफ्लेक्सेस दिखाने। कैसे, पहले आप कवर में हो, ऐसे आओ, स्कोप खोलो और सीधे उस पर बिठाओ बंदे पे, मतलब मान के चलो वो बंदा है और उस पर एम बिठाओ सीधे स्कोप खोल के। और ऐसा उसको बस इधर पे जैसे कि पुश कर रहा है बंदा मान के चलो, आपको आपके हाथ से फिर रिच का कवर है ठीक है। बंदा वहाँ से आपको फ्लैंक या कुछ भी मार के, फ्लैंक मार के डायरेक्ट रश करेगा आप पे, तो आपको ये रिच का कैसा कवर का यूज़ करना है ऐसा मारने का और मूव करते रहने का। पोजीशन देखिए, टैप देने का, नॉक नहीं हो रहा तो डैमेज लो, मतलब उसको डैमेज दो, उससे डैमेज ले लो ठीक है। तो और हाँ एक और बात, ये जो आप सेटिंग्स में से ये देखो, ये जो लीन मोड और ये जो है ना स्कोप मोड, ये हमेशा मिक्स्ड पे रखो भाई। मिक्स्ड पे क्या है, जैसे आप टैप पे क्या रहता, आप टैप करोगे खुलेगा, फिर आपको वापस से टैप करना पड़ता है तभी आपका स्कोप या जो लीन है वो बंद होता है। और होल्ड में क्या है, आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा ठीक है। जैसे ही आपने होल्ड छोड़ा आपका स्कोप भी छूटा। और मिक्स में क्या है, आपको अगर टैप चलाना है तो आप टैप पे चलाओ, मिक्स पे करके रखना है तो आप मिक्स पे करके रखो। जैसे ये टैप पे है ठीक है, और ये मिक्स, मैंने होल्ड करके रखी है, ये होल्ड छोड़ा स्कोप भी छूटा ठीक है। तो पहले आपने यहाँ से दिया, फिर आप ये वाले रिच के बाद आप ये घर में आ जाओ, ये घर के कवर में। अभी घर के कवर से मान के चलो बंदा है आपके पास, ये घर का कवर है ठीक है। अभी आए दिया, तो ये मैं होल्ड पे रख के कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने टैप करा फिर मैंने मारा फिर वापस से उसको टैप करके आया। ये मिक्स्ड के वजह, मिक्स्ड बोले तो मतलब कि होल्ड, होल्ड करा मारा होल्ड छोड़ा अंदर आया ठीक है। यहाँ से स्प्रे दिया, यहाँ से पहले यहाँ से प्रैक्टिस करो, फिर यहाँ से प्रैक्टिस करो, ये दो जगह से प्रैक्टिस करने के बाद ये वाले पेड़ पे आ जाओ। ये वाले पेड़ पे आ गए, ये वाले पेड़ पे आने के बाद ये दिख रहा है, ये दो, इन दो को टैप दो। कैसे, ऐसे ठीक है। फिर लेफ्ट से गए, लेफ्ट के लिए तो आप खड़ा होकर मारना पड़ेगा ठीक है। फिर ऐसा टीपी पी लो, कहाँ है बंदा, क्रॉस एयर रखने की एक और भाई। देखो जैसे बंदा वहाँ है तो मैं टीपी पी लेके पहले क्रॉस एयर उस पर रखने की कोशिश करूँगा भाई। बंदा वहाँ है तो एक अजम्पशन लेके देखा उस पर खुलेगा मेरा स्कोप, जैसे कि ये है ठीक है। टीपी पी लिया कि वो वहाँ है, ये वाला थोड़ा गलत हो गया। फिर ऐसा ही लेफ्ट से करना है, ऐसा टीपी पी लो मार दो, नॉक नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, डैमेज बढ़ रहा है वो है मेन, तो डैमेज मिल जाएगा आपको
ठीक है बस डैमेज लो, फिर यहाँ से मारा स्प्रे। हाँ रुको 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 रुको, फिर ये वाले पेड़ से ये वाला। अब कोई बंदा जैसे पेड़ का कवर, आपके पास भी पेड़ का कवर है, उसके पास भी पेड़ का कवर है, अभी बंदा वही गिराएगा जिसका रिफ्लेक्स अच्छा होगा। ठीक है तो ऐसा गए उसके आसपास टैप दो, तो वो थोड़ा मतलब उसको पीक करने के आप ज़्यादा वो मत दो कि वो पीक करके आपको शॉट करे, आपको शॉट्स लेना है बस। ठीक है सिर्फ आप शॉट्स लो, इसको शॉट्स लेने मत दो। ठीक है ये वाला हुआ, फिर यही, फिर वापस है ये वाले पेड़ पे आ गए। ठीक है अभी ये पेड़ से आपको करना है इसको गिराना है। ठीक है ये वाला गिरा लिया, फिर यही गिराने के बाद ये वाला जो पेड़ है इसके, ये अभी इस पर मारा, फिर एक दो तीन चौथा, ये जो चौथा पेड़ है इस पर मारना है, करना है स्प्रे मारा आ गए। ठीक है तो पहला तो वाले रेत से एक, दूसरा ये वाले घर से दो ड्रिल मतलब दो जगह से, फिर तीसरा यहाँ से वहाँ पे मारना और यहाँ से यहाँ पे मारना, तो तीन और चार, और पांचवा हमारा यहाँ से। ठीक है ये पांच जगह कोई प्रैक्टिस करने के लिए, फिर एक लास्ट जगह बची है, ठीक है वहाँ से मारने का। कैसा मैं बताता हूँ, देखो यह है ये वाला पेड़, इस पे आ जाओ यहाँ पे, ये गन हाथ में रखो, अभी सामने वाला पेड़ है। ठीक है या तो इस पे मार के देख लो या इस पे, किसी भी एक पे। ठीक है मैं इस पे मार के देख रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा आई थिंक, हाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लपक स्प्रे मारो भाई। एक हफ्ता रोज़ प्रैक्टिस करो, मतलब एक हफ्ता रोज़ कि मतलब भाई रोज़ 15 या 20 मिनट ये छह जगह से प्रैक्टिस करो रोज़ हफ्ते भर, उसके बाद आप क्लासिक्स में देखो भाई ऐसा मस्त मज़ा आएगा, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत इंप्रूव होंगे रिफ्लेक्सेस। और उस पर मैंने और भी ड्रिल्स बनाई हैं, वाली भी चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है उस पर भी, रिकॉइल कंट्रोल, जायरो क्या होता है, जायरो को क्या यूज़ होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, सेंसी कैसी रहती है, हर ग्रिप का क्या क्या यूज़ है, कौन सी ग्रिप का क्या यूज़ है, उसमें सब कुछ बताया है। वो प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं रिफ्लेक्सेस की, रिकॉइल कंट्रोल की, सब की, सब करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ M4 से आप ट्राई करो, सारी गन्स को करो, सारी ग्रिप्स को मास्टर करो, हर ग्रिप्स को मास्टर करो और फिर क्लासिक्स खेल के देखो भाई, मतलब फिर तो ऐसा होगा कि आपके पास कोई सी भी ग्रिप आपको हाथ में दे दो आप बंदे आराम से मारोगे बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से। ठीक है तो बस ये 6 से 7 जगह से जो मैंने बताई है यहाँ से रिफ्लेक्सेस की वाली प्रैक्टिस करो, फिर आपके लिए और आगे और भी ड्रिल्स लाता हूँ। ठीक है जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।